हैं यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। मंडपम में प्रवेश करते हुए संयुक्त अरब अमीरात एक बेहद महत्वपूर्ण देश, विशेष रूप से आर्थिक रूप से अगर हम बात करते हैं तेल संसाधनों के कारण और अन्य कूटनीतिक कारणों से भी भारत का महत्वपूर्ण सहयोगी देश संयुक्त अरब अमीरात। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर के दोनों देश काफ़ी ज़्यादा उत्साहित, और हाल ही में जो FTA किया गया है भारत की तरफ से उसका फ़ायदा अब ज़मीन पर दिखने लगा है, रोजगार के लिहाज से, GDP के लिहाज से, और दोनों देशों के बीच जो ट्रेड रिलेशंस हैं इसको बढ़ाने में इस FTA की बहुत अहम भूमिका रही है। और बहुत सारे भारतीय सऊदी अरब में जो कार्य करते हैं उनको लेकर के लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए और उनको असिस्टेंस दिया जाए, और आप केमिस्ट्री स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी UAE यानी संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान का स्वागत करते हुए न केवल हैंडशेक बल्कि दोनों हाथों से उनके हाथों को थामते हुए उन्हें गले लगाते हुए। तब तक 9 आमंत्रित देश ओमान, बांग्लादेश, इजिप्ट, मॉरिशस, नीदरलैंड्स, नाइजीरिया।